हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे रूसिया का सबसे पुराने अटैकिंग हेलीकॉप्टर जिसने यूक्रेन की हालत कर दी थी खराब। आखिरकार रूसिया की इस हेलीकॉप्टर में क्या थी ऐसे न्यू अपडेट जहाँ पर यूक्रेन की एयरफोर्स टीम या यूक्रेन की आर्मी टीम यदि हम बात करेंगे कहीं ना कहीं रूसिया को पीछे नहीं छोड़ पाए थे। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आने वाला दिन में भारत इस हेलीकॉप्टर को लेना चाहेगा, और अगर यदि भारत इसको लेना चाहता है तो उसमें भारत को क्या बेनिफिट मिलेगा, वो भी आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला अपडेट आ रहा है फ्रेंड्स, जो इमेज आप देख रहे हैं रूस का सबसे पुराना एक्टिव और अनुभवी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि KA-52 एलिगेटर है। इस हेलीकॉप्टर का पहला यदि हम बात करेंगे मॉडल 1982 में आया था, यह तब से रूसी सेना में है। अब तक इसे 196 हेलीकॉप्टर बन चुका है। रूसिया ने इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। इसे ये अपडेट दे रहा है कि इसे एक ही पायलट उड़ाता है। अधिकतम गति इसका 315 किलोमीटर है और यदि हम बात करेंगे इसकी रेंज की तो 470 किलोमीटर है इसका। अधिकतम 18,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 30 mm की एक शिपनोव कोनन लगा हुआ है जो इमेज में आप देख सकते हो। थर्ड अपडेट आ रहा है कि कुछ लोग इसे बल्कि सार्क ब्लैक सार्क के नाम पे बुलाता है और यहाँ पर नाटो और उसी हिसाब से नाटो की रिपोर्टिंग नाम इसका HOQMA है। इसमें एक रोटेट यानी पंखा नहीं होता है बल्कि इसे दो पंखे होते हैं। इसमें इसे ज़्यादा गति और कम आवाज़ मिलता है। ये आप देख सकते हैं दो पंखे हैं, डबल फैन इसमें लगा हुआ है जो रोटेट है इसका। नॉर्मल हेलीकॉप्टर पर आपने एक पंखे देखे होंगे जिसमें आपका 3 पत्ती या 4 पत्ती रहता है, बट ये जो रोटेट है ये 2 रोटेड है, डबल रोटेड है, जिसमें 3 या 4, 8, 3, 3, 6 पत्तियाँ लगा होता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसके अब तक का 6 वेरिएंट बनाया गया है, नाइट सार्क और उस हिसाब से आप बता सकते हो कि एर्दनागम, एलिटेगर, नाइक और क्रोकोडाइल, राटेन और M2022 में यूक्रेन यानी कि 2022 में यूक्रेन पर पहला हमला करने के दौरान रूस का एक एलिटेगर हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गया था। इसके बाद कई हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, लेकिन उसके बाद इस हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने ठान ये लिया है अब तो हम कुछ करके दिखाएंगे। ये अपडेट दिया है कि ईरान ने इस बात की कही कि दो पंखे और एक यूनिक डिजाइन होने की वजह से अगर इसके पूंछ में मिसाइल लग भी जाए जो अपडेट दे रहा है तो ये काफ़ी देर तक हवा में उड़ान भर सकता है। यह 52.6 फीट लंबी और 16.2 फीट ऊँचाई है। ठीक है, टेकअप के समय इसमें 10,800 किलोग्राम वजन भरकर उड़ान भर सकते हैं। इसमें 2 pounds एलियट सॉफ और काउंट काजिम डिफ्यूट्स और 4 EV-26 डिफेंस लगा सकते हैं, यानी दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए निकलने वाले आग को गोला आप समझ सकते हो। लास्ट अपडेट ये आ रहा है, इसके अलावा 6 hard points होते हैं जहां पर 80 rockets लगाया जा सकता है या 4 Eagle missile, 12 anti-tank missile, 4 bomb या गन पैड लगाया जा सकता है या इनका मिश्रण करके आप लगा सकते हो। आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़।